10 साल में सुजलोन एनर्जी के उधार दाताओं ने, शेयर मार्केट भी कुछ ऐसी ही चीज है जो हमें आती है हम वो करते नहीं, जो हमें नहीं आती हम उसके लिए करने को तैयार कह रहे हैं। अब तो सुजलोन एनर्जी के शेयर 2 रुपए में आ जाएगा या डीलिस्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और बिगड़ना हमारे हाथ में ही होता है। हमें पता रहता है सर कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता सही। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर कि मार्केट जिस तरीके से गिर रही है और FIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं, DIs खरीदारी कर रहे हैं, और उसके उपरांत भी हमारे सारे शेयरों में जो गिरावटों के सिलसिले चलते जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं अब तो सुजलोन एनर्जी के शेयर 2 रुपये में आ जाएगा या डीलिस्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इस तरह की जो भी अफवाहें आती रहती हैं उसके बारे में एक डीपली एनालाइज करेंगे। और इन सब की एनालाइज करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि सुधरना और बिगड़ना हमारे हाथ में ही होता है। हमें पता रहता है सर कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता सही है। जब हम किसी भी चीज़ के लिए कुछ बोलते हैं ना तो हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, लेकिन हमें जो झूठ बोलना ना ज़्यादा अच्छा लग जाता है, और वो झूठ हमें कहीं ना कहीं इस दुनिया में फंसाता रहता है। कहीं ना कहीं ऐसे माहौल बन जाएंगे कि आपके एक झूठ से ही कुछ प्रॉब्लम मार्केट में या अपनी ज़िंदगी में आती रहती है, ये ऊपर बैठा हुआ भगवान देखता रहता है। तो सच की तरह हमें चलना पड़ेगा सर। जब वाइन में और सिगरेट में पहले लिख देते थे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसके बाद भी लोग उसको सेवन करते हैं तो उन्हें पता रहता है कि इससे हम आगे जाकर मर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उस काम को करते ही करते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उनको पता है कि वो उस वजह से फेल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते हैं। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ सर, क्योंकि शेयर मार्केट भी कुछ ऐसी ही चीज़ है जो हमें आती है हम वो करते नहीं, जो हमें नहीं आती हम उसके लिए करने को तैयार रहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने लॉस को फिर से पूरा करने के लिए अलग से मनी डाल के उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो जो हमें आ रहा है, जो हमें दिख रहा है, उसके लिए ही तत्पर तैयार रहिए। और अलग दृष्टि से पैसा कमाना, झूठ की दृष्टि से पैसा कमाना बंद कर दीजिए, क्योंकि झूठ से कमाया हुआ पैसा 2-4 साल तो काम आता है, लेकिन उसके बाद वो इतना लेके जाता है कि जितना आपको मिला भी नहीं होगा। तो आपको जो आता है, इन्वेस्टिंग आती है उसमें काम कीजिए, इंट्राडे आता है उसमें काम कीजिए, अलग तरीके से काम कीजिए, लेकिन जो आपको आता है सही तरीके से आता है उस पर हमें काम करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमें मिल नहीं रहा है उसको हमें मिलना ही चाहिए, और जो हमारे पास है उसकी हमें कुछ भी और अच्छी संभावना नज़र नहीं आती है। तो मार्केट इसी का खेल है और इसको आपको समझना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी बात एक बता दूं सर, जनवरी से जून तक FIs ने 2,83,404 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है। और ये भी आपको जानना पड़ेगा कि जिस वजह से आपको लगातार न्यूज के सिलसिले और आपको अपने पोर्टफोलियो और मार्केट में एक तरफा गिरावट जनवरी से लगती नज़र आ रही है, वो इसलिए आ रहा है कि FIs बेच कर जा रहे हैं। FIs जो होते हैं सर, भाप लेते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी हैं उसका भी इफ़ेक्ट हमारे एशिया की मार्केट में पड़ा है, ज़्यादा पड़ा है, और जो युद्ध की स्थिति हुई है उसमें भी ज़्यादा पड़ा है, और अब जो कोरोना की स्थिति धीरे धीरे पैदा हो रही है वो भी धीरे धीरे एक कदम ये लगा रही है कि FIs पहले से भाप लेते हैं।
अब एफआईज ने जब 2,83,404 करोड़ रुपए की बिकवाली की है तो इसका मतलब यह है कि शेयरों में तो आपको गिरावट नजर आएगी, सारी की सारी कैंडल चार्ट फेल होने वाले हैं। जब कुछ चीज बिक जाती है तो शेयर प्राइस नीचे की तरफ आता रहता है, और सबसे ज्यादा मजबूत गिरने में एफआईज की बिकवाली का ही जिक्र आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है। आपको ये बात समझनी है कि जिंदगी में या शेयर मार्केट में जब भी कुछ बिकेगा, कुछ ना कुछ हमारा मजबूती के साथ जो हम टिके हुए हैं ना, उसमें हम डगमगाएंगे। तो इसलिए सर एफआईज ने इतनी बड़ी जो बिकवाली कर दी है, एक ये सोचने का विषय बनता जा रहा है। अब एफआईज बेच रहे हैं तो लगातार तो सर बेचेंगे नहीं, एक महीने दो महीने और बेच लेंगे। लेकिन सर मैं बताऊं, उन्होंने मार्केट से कमाया है, जो भी पैसा वो लगा रहे हैं मार्केट में, पैसा कमाने के लिए लगा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बिकवाली की है। और ये नहीं कि दोबारे नहीं आएंगे, एफआईज दोबारे फिर से आएंगे, उनका काम ही है कि खरीदो ऊपर बेचो फिर नीचे आए फिर खरीद लो, तो ये तो काम है उनका। और इस बार ज़्यादा ही कुछ कर दिया तो वो आपको देखने को मिल रहा है सर। डीआईएस ने सर जनवरी से जून के बीच में सर 2,31,966 करोड़ रुपये की खरीदारी की है, थोड़ा संभाल लिया है डीआईएस ने, क्योंकि एफआईएस ने ज़्यादा बेचा और डीआईएस ने भी लगभग खरीदा ही उतना है जितना उन्होंने बेचा है सर। तो कहीं ना कहीं मार्केट को संभालने में डीआईएस का एक महत्वपूर्ण योगदान होता जा रहा है। आपके पोर्टफोलियो रेड नहीं है, आपके दोस्त के भी होंगे, पता करो सबके हैं। तो इस मार्केट को आपको थोड़ा सा संभाल के चलना है कि आपको जल्दबाजी में शेयरों को नहीं बेचना है सर। तो ये सारी स्थिति सर पैदा हो जाती है। अब जो बैंक प्राइवेट हो रहे हैं सर, उनमें भी आपको गिरावट नजर आ रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, आईडीपीआई बैंक, ये तो तेजी के साथ प्राइवेट होने की न्यूज आ रही है इनकी। तो सर ये सारा का सारा जो भी खेल हो रहा है एफआईएस की बिकवाली के थ्रू हो रहा है, आपको इतनी सी बात समझनी पड़ेगी। तो बात करते हैं सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी में जो एक संभावना डी लिस्ट वाली, या फिर इसके शेयर बढ़ते नहीं है तो 2-3 रुपए तक आएंगे, और कहीं ना कहीं इसका फ्यूचर हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है सर। ये अभी की बात नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी संभावना हमें या दूसरों को नजर नहीं आती है, पल पल नजर आ रही है। और पिछले 10 साल में सुजलोन एनर्जी के उधारदाताओं ने सुजलोन एनर्जी के ऋण को 2 बार पुनर्गठित कर दिया है, इसलिए कर दिया है ताकि ये कुछ काम करके दिखाए। जब उधारदाताओं के इसके अंदर संभावना नजर आ रही है तो वो दोबारे से इसके लोन को पुनर्गठित करने की योजना भी इन्होंने बनाई थी। तो ये आगे आने वाले सेक्टरों में आपको पैसा कमाकर जरूर देगा, लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा कर्जा है और ज़्यादा संभावना इसके काम करने की है, वो आपको जल्दी से जल्दी दिखती हुई नजर आएगी सर। और सुजलोन एनर्जी का जो खराब प्रदर्शन रहा है सर, उसके बावजूद भी ऋणदाताओं ने फिर से जो तांती जी को चेयरमैन बना दिया था, अनुमति दे दी थी, ये भी एक सोचने का विषय है। क्योंकि ऋणदाताओं को भी लग रहा है कहीं ना कहीं आगे जाकर तुलसी तांती जी भी अच्छा वर्क करेंगे। और तुलसी तांती जी ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा था कि इस चालू वित्तीय वर्ष में वो 2500 मेगावाट की पवन ऊर्जा बिजली उत्पादन करके दिखा भी देंगे सर। उनका एक ये सपना है, और ये सपना सर तुलसी तांती जी ने देखा, जिनको ऋणदाताओं ने दोबारे से चेयरमैन की उपाधि दी थी सर। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए सर, सेबी ने सर एक लंबे समय तक चलने वाला फोरेंसिक ऑडिट भी कर रही है, जो आपको दर्शा रही है कि इसके अंदर जिस तरीके से कुछ चीज़ें हुई होंगी, उसकी भी फोरेंसिक ऑडिट है, वो सेबी के द्वारा किया जा रहा है सर। और जबकि ऋणदाता इसको दोबारे से जमानत देने के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ऋणदाता इसको संभालते हुए हैं और इसके जो ऋण को दोबारे से पुनर्गठित कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं ताकि ये कुछ आगे जाकर आपको संभावना एक अच्छी नज़र आपको दिखा सके सर। जबकि सर एक खबर और निकल कर आई थी, सन फार्मास्यूटिकल के दिलीप सिंघवी जी ने इसको एक विश्वास पूंजी प्रदान भी की थी सर।
तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर निकलती ही जा रही है। और आने वाले दिनों में सर तमिलनाडु और गुजरात में जो समुंदर किनारे होते हैं उसके अंदर भी विंड टर्बाइन की एक टेंडर निकाला जाएगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था। तो इसका जो भी सामना है ना सर, हमारे पास तो सर शेर हैं, सबके पास हैं, लेकिन इसकी संभावना वही अच्छी देख पाएगा जो अंदरूनी इसकी चीज़ों को देखेगा सर। जब ऋणदाता इसको बचाने के ज़्यादा करीब आ रहे हैं और वो इसमें दोबारे से कुछ संभावना देख रहे हैं, ऋण को दोबारा पुनर्गठित कर रहे हैं, और आपको ये भी समझना चाहिए कि जो भी कंपनी को लोन देता है, ऋण देता है, तो वो सबसे बड़ा होता है। नहीं तो सर कैसे ऋणदाता क्या होता है, जब उनका पैसा वापस नहीं आता तो वो सर एनसीएलटी का रुख कर लेते हैं फिर दिवालिया करने के लिए। तो जब ऋणदाता ही इसको मजबूती की तरफ देख रहे हैं तो मेरा मानना है सर, और आने वाला समय आपको पता है 2030 तक मोदी जी का भी सपना है सर रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छी तरीके से उतरना, तो वो भी संभावना आपको इस सुजलोन में देखनी चाहिए सर। बिल्कुल भी अपना मन मत भटकाओ कि डील स्टोर आए यह शेयर बंद हो जाएगा, और एवरेज भी नहीं सर इन शेयरों में करना है सर, थोड़े शेयरों के साथ ही हमें अच्छी विजय प्राप्त हो सकती है। मैं आपको बता दूं सर, ध्यान रखना सर, थोड़े शेयरों के साथ ना एक तो क्या होता है, हमें डर नहीं लगता कि हमारा ज़्यादा लॉस होगा, और जब हमें किसी चीज़ में डर नहीं लगता ना कि हमारा ज़्यादा लॉस होगा तो वही हमें शेयर कमा कर देगा, आप ध्यान रख लेना। आपने कभी भी जब कम शेयर लिए होंगे ना उसी में प्रॉफिट आया होगा आपको, और जब आपने ज़्यादा शेयर लिए होंगे उसमें आपको प्रॉफिट तो आ रहा होगा लेकिन कभी कभी आपने उस प्रॉफिट को लिया भी नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि आपने उसको और ज़्यादा दूर तक के देखने की संभावना बनाई है। तो सर सुजलोन एनर्जी में मेरे ख्याल से सर अभी जो FIs की बिकवाली जो हो रही है और जिस तरीके से उधारदाता ऋणदाता इसे दोबारे से चलाने की कोशिश में लग गए हैं, तांती जी दोबारे से इसके अंदर आ गए हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं, तो वो सपने जब तक पूरे नहीं होंगे और इनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। और इसलिए आपको सुजलोन एनर्जी में कुछ शेयरों के साथ सर होल्ड करना चाहिए, और ज़्यादा शेयरों के साथ कभी भी पेनी स्टॉक में हमें नहीं रुकना चाहिए सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।